Good morning and welcome to Morning Desk. तो आज हमारे शो पर आ रहे हैं संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, तो प्लीज वेलकम कीजिए तानसेन जी। और दूसरी तरफ है मेरा दोस्त हाजिक, जो कि गिटार बजा सकता है। बस इतना है तो? और चाहिए? शो शुरू कर। तो तानसेन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं, और मुझे सच में बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे शो पर आए। ये तो कृपा है देव की। तो रो ठीक ही होगा। हाँ, तेरे सामने हो। आगे बढ़ते हैं। तो तानसेन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी संगीत का, यानी कि आपकी गायकी का आगाज किस उम्र में हुआ और कहाँ से हुआ? ये संगीत जो है, ये देवताओं का तोहफा है। संगीत की निर्वर्गता ब्रह्म ने की थी, उसके बाद ये संगीत उन्होंने सरस्वती को सिखाया, और सरस्वती से होता हुआ ये संगीत हमारे गले को पहुंचा। और तूने कहाँ से, तूने सीखा? हाँ, मैंने डिफरेंट क्लासेस दी हुई है यार सिंगिंग की। अच्छा, हाँ। कितने टाइम से? मैं 2 साल से। दो साल से? मुझे लगता था यार तू बस ना वो लैपटॉप पे आगे बैठ के यूट्यूब पे बस। बहुत अच्छा भाई। सर वॉर्म ले ले, बच्चे वॉर्म ले लो यार सर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभलो मुझको मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हों दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या कहूँ मैं दिलरुबा, पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। संभलो मुझको मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। थैंक यू। तो सर कैसा लगा आपको इसका गाना? इसमें संगीत तो था ही नहीं। संगीत नहीं था सर? सरस्वती ने आवाज तो बहुत मधुर दी है आपको, मगर सुर और ताल के कुछ कच्चे हो। तो सर सिखा दीजिए इस बालक को। गुलाब आंखें जो तेरी देखी, शराब ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। वाह सर, आपने तो कुछ पुराने जख्म उभार दिए सर। वाकई क्या आवाज थी सर आपकी, ऐसे दिल खुश हो गया सर। सीख रहा है सर से? बिल्कुल सीख रहा हूँ मैं। मैं तो पता नहीं किन से क्लासेस लेता रहा हूँ। इनके पास जाओ और सही सिखाएंगे। तुम्हारा सांस जो है ना, ये तुमसे ज्यादा मधुर है। अक संगीत काय के लिए ये उचित नहीं कि उसका साज उसकी आवाज को दबा दे। का कहने का मतलब है कि तेरे गिटार की आवाज जो है वो तेरी अपनी आवाज से बेहतर है। तो इसको तोड़ दूं? नहीं, गिटार को अपने गले में उतार दो। अच्छा, समझ रहे। वाह। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है?
शहंशाह अकबर के दरबार में संगीत की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती थी जिसमें अक्सर मैं और दीपक भाग लेते थे। ये बात क्या थी? भाग लेना यानी हिस्सा लेना। अच्छा अच्छा, दीपक मेरे संगीत से बहुत जलता था क्योंकि मेरा संगीत पानी में आग लगा देता था। पानी में आग? अरे तुम्हें पता नहीं है, इन्होंने एक बार एक बुझा हुआ दिया जला दिया था अपनी आवाज से। आवाज से? माचिस से? आवाज से। तुमने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीग में हिस्सा लिया। जहाँ पे तू हार गया था भाई ना? हारा नहीं था, मुझे निकाला था। फोन, मेरा मतलब फोन नहीं किया। निकाला नहीं, वो गलती से निकल गया। मतलब के फोन नहीं आया मुझे। सच सच आ जाता है, सच कभी नहीं छुपता, सच सामने आ जाता है। और अगर आपको सुनना है सच्चा संगीत, वो भी तानसेन जी से, तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर। तो इससे मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना आप दोनों का एक मुकाबला करा लिया जाए। प्रतियोगिता, जानते हो प्रतियोगिता को? प्रतियोगिता क्या? कॉम्पिटिशन। संगीत की प्रतियोगिता जिसमें दो संगीत का अपनी योग्यता एबिलिटी अपनी योग्यता को जांचेंगे, अपनी एबिलिटी को जांचेंगे। तो मेरे पास अभी है माचिस, तो क्यों ना आप दोनों अपनी आवाज से इस माचिस की तीली को आग लगाने की कोशिश करें। अपनी आवाज से? ये तो कर सकते हैं, क्या तू कर सकता है? कभी पीछे नहीं हटे मुकाबले में वैसे। चलो सेट करते हैं भाई। तो मैं आप दोनों को तीन तीन माचिस की तीलियां दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अपना गिटार इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, गिटार करो, करो जो उपयोग करना है करो। तो बात ही नहीं मिली। तुम्हारा मुकाबला तानसेन से है। तानसेन, एक एक तीली आप दोनों को, तानसेन, ताकि हम ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकें कि कौन जीत रहा है। तो सर आप पहले गाएंगे या इस बालक को मौका दूंगा? बालक को पहले। बालक तुम गाओ पहले अपना गाना। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं यारा नू मना। अपमान है ये। क्या हो गया? भगवान ने जितना भी सोना बनाया हो, तुम प्रश्न कैसे कर सकते हो? संगीत भगवान की देन है, भगवान से प्रश्न नहीं करते। कुछ कुछ और संगीत पेश कर। कोई और गाना गा ले, पसंद नहीं है। चल ठीक है, ठीक है, तू भी मैं भी। चल स्टार्ट कर। गरज बरस सावन गिर आयो, 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 देखो कैसे अनजाने रस तो पे बरस घटा, आओ ले ले मस्तानी मस्तानी रुत का मजा, सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो। नहीं गिरेगा सावन, नहीं गिरेगा। अच्छा, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब देखो एक योगी कैसे करता है। देख लेते हम भी। जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, आने वाला करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। सर्कल टैलेंट, ये किस तरह हो गया? आग लगा दी सर ने। असली है ना? हाँ भाई, ये देख
जल रहा है कि धुआं चेक सर मुझे भी मन प्रसन्न है ये आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो अब शो खत्म करने से पहले मैं ये चाहता था कि तानसेन की जी की आवाज पे शो खत्म हो, लेकिन अभी उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है तो उनको अपनी आवाज को आराम देने देते हैं। और आज एक तू कुछ सुना दे यार। हाँ जरूर, कोई कमी पेशी हो तो तानसेन जी। मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राहे इश्क दिखा, हो मैं हारी तकदीर, बिन राजा मैं पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा मैं हो जाऊं ना बागी। यार बस करते हो, शो खत्म करना है। क्या मतलब बस करना, शो का खत्म करना है? मेरा गाना पूरा तो सुन ले, मैंने यूनिवर्सिटी में गाना है भाई। तूने इसलिए बुलाया था मुझे अपने शो पे? जाने चलता है यार। क्या मतलब चलता है? एक तो तूने मेरा इंट्रो भी नहीं सही किया, तो ऊपर से अभी ये मेरा गाना रोक लिया बीच में। मैं नहीं कर रहा शो यार। आज के एपिसोड मैं यही खत्म करता हूँ, आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। साइनिंग ऑफ। अच्छा सर, हाजिक रुक।